नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फॉर भारत में। मैं आपके साथ खुशबू सांगवी। बिहार में उपचुनाव की तारीख का ऐलान के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। बिहार में 5 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होंगे। अगर एनडीए की बात करें तो विधानसभा की 5 सीटों पर जदयू 4 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि 1 सीट पर बीजेपी। वही लोकसभा की 1 सीट एलजेपी के खाते में जाएगी। जिन 5 सीटों पर चुनाव होने हैं उनमें सिमरी, बख्तियारपुर, दरौंदा, नाथनगर, बेलहर और किशनगंज है। किशनगंज की छोड़ बाकी चारों सीटें जदयू के खाते में थी। वहां के विधायक अब सांसद बन गए, लिहाजा वह सीट खाली हो गई है। 4 सीटों पर जदयू अपना उम्मीदवार उतारेगी, जबकि किशनगंज सीट पर बीजेपी के प्रत्याशी है। बिहार बीजेपी के खाते में किशनगंज सीट गई है, लिहाजा वहां से उम्मीदवार चयन को लेकर बिहार बीजेपी चुनाव समिति की बैठक आयोजित की गई है। आज पार्टी कार्यालय में वरिष्ठ नेता उम्मीदवार के चयन को लेकर बैठेंगे, उसके बाद उम्मीदवार के नाम का ऐलान होगा। बता दें कि पिछले दफा किशनगंज विधानसभा सीट में भाजपा ने स्वीटी सिंह को उम्मीदवार बनाया था। इस बार भी चर्चा है कि पार्टी उन्हीं पर दाव आजमाएगी। पिछली दफा इस सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वह चुनाव हार गई थी। वहीं अगर हम जदयू की बात करें तो दरौंदा सीट के जदयू सांसद कविता सिंह के पति अजय सिंह के उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चा है। वहीं बेलहर सीट पर बांका से सांसद गिरधारी यादव के भाई उम्मीदवार बनाए गए हैं। सिमरी बख्तियारपुर से पूर्व विधायक अरुण यादव के चुनाव लड़ने की खबर है। हालांकि जदयू ने उम्मीदवार का चयन तो कर लिया है, लेकिन आधिकारिक तौर पर ऐलान अब तक नहीं किया है। बताया जाता है कि एनडीए सभी सीटों पर एक साथ उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करेगा। आगे की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।